हेलो, कंटिन्यू करते हैं हम लोग चैप्टर है ना। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमें पढ़ना है एजेंट्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन के एजेंट्स इम्पोर्टेंट है ये वाला टॉपिक। ठीक है, इम्पोर्टेंट मार्क कर दो। ठीक है, अब इसमें दो चीज़ें, तीन चीज़ें। पहले और तो एजेंट पॉलिनेशन, फिर क्रॉस पोलिनेशन। तो पोलिनेशन क्या मिलेंगे आप बताओ मुझे, आपको याद होना चाहिए, अभी हम पढ़ के आए हैं लास्ट टॉपिक में, लास्ट टॉपिक में पढ़ाई है लास्ट वीडियो में। तो पोलिनेशन का एक प्रोसेस है, पोलिनेशन का एक बेसिकली प्रोसेस है। प्रोसेस ऑफ व्हाट? प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग पोलन ग्रेन्स टू एंथर ऑफ अ प्लांट, है ना। किसी भी एक प्लांट का दूसरे प्लांट में, हो सकता है सेम प्लांट में ही, एंथर वाले पार्ट में पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर करना, यानी पोलन ग्रेन्स को एंथर तक पहुँचाना। पोलन ग्रेन्स को बेसिकली एंथर तक पहुंचाना है, ये वाला जो काम होता है, ये जो प्रोसेस होती है, इसको बोलते हैं पोलिनेशन। किसी किसी में तो ये ऑटोमेटिकली होती है, किसी किसी में मतलब कि जो यूनिसेक्सुअल प्लांट्स होते हैं, सॉरी बाइसेक्सुअल प्लांट्स जो होते हैं, उनमें तो ये खुद से होता है, उनमें तो ये खुद से होता है, उनमें तो ये खुद से होता है। लेकिन यूनिसेक्सुअल प्लांट्स होते हैं, अभी बाइसेक्सुअल भी होते हैं, लेकिन ये प्रोसेस जब अदर अदर प्लांट्स में होती है, सेम प्लांट्स में ना होकर। हाँ, मेनली समझो अगर ये प्रोसेस सेम प्लांट्स में हो रही है फिर तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो सेम फ्लैट्स में नहीं होती है तो हमें क्या, तो ज़्यादा प्लांट फ्लैट्स में होती है तो हमें क्या पड़ता है, पॉलन ग्रेन्स पहुँचाने पड़ते हैं वहाँ। पॉलन ग्रेन्स हम दूसरे प्लांट दूसरे फ्लैट पर कैसे आएंगे, और दूसरे फ्लैट के एंथर पर कैसे आएंगे? तो दूसरे फ्लैट के एंथर तक पहुँचना तो हो जाएगा क्रॉसिंग कैसे, लेकिन जाएंगे कैसे? तो जो उन पॉलन ग्रेन्स को दूसरे फ्लैट के एंथर तक ले जाने में हेल्प करेगा, ऐसे लोगों को एजेंट बोला जाता है। ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है? एजेंट बोला जाता है। ये एजेंट कौन हो सकते हैं? मोस्टली मोस्ट कॉमनली जो यूज होते हैं वो तो हमारे इंसेक्ट्स और विंड होते हैं। मोस्ट कॉमन जो हमारे एजेंट्स होते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के, वो इंसेक्ट होते हैं। बस कुछ फ्लैट्स ऐसे होते हैं उस केस में कभी कभी एनिमल्स, बर्ड्स भी हेल्प कर देते हैं। ठीक है, जैसे स्क्वायर और बैट्स हो गए, और कभी कभी वाटर भी हमारा पॉलिनेशन में हेल्प करता है। कब? जब हमारे प्लांट्स एक्वेटिक प्लांट्स हो, यानी पानी के अंदर वाले प्लांट्स हो। तो ठीक है, हर कैटेगरी के कुछ ना कुछ फीचर है। हर कैटेगरी में मतलब क्या, हर तरह के जो ये जो पॉलिनेशन की टेक्निक है, हर तरह के जो मेथड है, बेसिकली जो एजेंट है, वो हर तरह के प्लांट्स पर काम नहीं करते, कुछ स्पेशल टाइप के प्लांट्स पर ही काम करते हैं। तो कहाँ कहाँ ये काम करते हैं ये बेसिकली हम देखते हैं। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं इंसेक्ट पॉलिनेटर। इंसेक्ट पॉलिनेटर, इंसेक्ट कहाँ कहाँ पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, इंसेक्ट कहाँ कहाँ पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं बेसिकली। तो यहाँ पर कुछ और चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आपको याद करनी है। इनको साइंटिफिक लैंग्वेज में एंटोमोफिलियस भी कहा जाता है, जिसमें एंटोमोन का मीनिंग क्या है, इंसेक्ट, और फाइल का मतलब है एफिनिटी। फाइल का मतलब है एफिनिटी। तो ये वर्ड मीनिंग आपको याद रखने हैं। ठीक है, बताना ही एमसीक्यू टाइप पेपर है, कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी। ठीक है, राइटिंग में तो पूछेंगे पूछेंगे, एमसीक्यू में कुछ भी पूछ सकते हैं वो। ठीक है, तो वर्ड मीनिंग भी याद होने चाहिए, कभी याद होने चाहिए, मुझे से काफ़ी अच्छी मिलती है। वो इंसेक्ट पॉलिनेटर की जगह वो कह देंगे डिस्क्राइब एंटोमोफिलियस, डिस्क्राइब एंटोमोफिलियस। सबको याद होते हैं ना एंटोमो मतलब क्या, एंटोमो मतलब इंसेक्ट, इंसेक्ट वाला पॉलिनेशन पूछने आएंगे, सबको याद होना चाहिए। ठीक है, तो इंसेक्ट पॉलिनेटर के ज़्यादा फीचर्स पढ़ते हैं, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी इंसेक्ट किस 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 फ्लार को ही, या किस तरह के फ्लार को पॉलिनेट करते हैं बेसिकली। तो पहला, तो अब मैं देता हूँ इंसेक्ट पॉलिनेटर, एक एग्जाम्पल देते हैं किसी भी इंसेक्ट का। बटरफ्लाई ले, बटरफ्लाई भी एक इंसेक्ट ही है। तो बटरफ्लाई किस तरह से पॉलिनेट करेगी? तो बटरफ्लाई आएगी फ्लैट के पास, फ्लैट से कुछ अपना नेक्टर वगैरह निकालेगी, खाएगी पिएगी। ठीक है, फिर जब उड़कर जाएगी तब उसके पैरों में पॉलन ग्रेन्स चिपक जाएंगे, फिर वो दूसरे फ्लैट पर जाकर बैठेगी, फिर दूसरे फ्लैट पर खाएगी पिएगी। अब दूसरे फ्लैट पर बैठेगी तो वो पॉलन ग्रेन्स उसके पैर पर चिपके हुए हैं, वो उसके पैरों से उतर जाएंगे और दूसरे फ्लैट के एंथर पर गिर जाएंगे। इस तरह से तो होगा, है ना, यही। हाँ, ऐसे ही होता है। तो मुझे बताओ अगर ऐसा होगा तो फ्लैट कैसा होना चाहिए? बटरफ्लाई आएगी,
बड़े फ्लैग पर बैठे गिर गए, तो फ्लैग छोटा होना चाहिए, फ्लैग तो बड़ा होना चाहिए, तो ज़्यादा छोटा भी नहीं, उससे ज़्यादा बड़ा भी नहीं चाहिए, एटलीस्ट इतना बड़ा तो होना चाहिए कि एक इंसेक्ट उस पर आकर बैठ सके, इंसेक्ट आकर उसको तो अपने हाथ पर रख सकें, है ना। तो पहली बात, इंसेक्ट पॉलिनेशन तभी होगा जब लार्ज कैसे ना लार्ज इंसेक्ट पॉलिनेशन तभी होगा जब लार्ज जब फ्लैट्स कैसे हैं लार्ज में। और इंसेक्ट्स क्यों आएंगे, इंसेक्ट्स क्यों आएंगे, इंसेक्ट बहुत सारे फ्लावर्स हैं, सपोज कर एक गार्डन में बहुत सारे फ्लावर हैं, अब किसी भी फ्लावर के पास कोई इंसेक्ट क्यों आएगा, तो वो फ्लावर्स अट्रैक्टिव होने चाहिए, अट्रैक्टिव कैसे होंगे, तो इंसेक्ट्स का थोड़ा ये उनके मेंटेलिटी है कि जो शाइनिंग जो बेसिकली फ्लावर्स होते हैं जो ब्राइट कलर्ड होते हैं, ये उनसे जो बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, उनसे बहुत जल्दी क्या होते हैं अट्रैक्ट होते हैं। हाँ, तो बेसिकली अगर फ्लावर्स ब्राइटली कलर्ड हैं, ब्राइटली कलर्ड है तभी ये इंसेक्ट तो वहाँ पर जाएंगे, तो फ्लावर्स कैसे उनसे ब्राइटली कलर्ड होने चाहिए। दूसरा, अब बटरफ्लाई जाएगी तो बटरफ्लाई अब कलर तो कलर का स्मेल भी अच्छी होनी चाहिए, तो वहाँ पर सेंट भी अच्छा होना चाहिए, वहाँ पर सेंट भी सेंट स्मेल उन फ्लावर्स में से स्मेल भी बहुत अच्छी आनी चाहिए उनको अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। और क्योंकि बटरफ्लाई जाएगी तो उनके खाने पीने के लिए नेक्टर भी होना चाहिए, खाना भी पीना भी तो होना चाहिए उनका, फ्लावर के ऊपर जब वो बैठेंगे तो खाने भी तो मिलना चाहिए, तो उनका खाना क्या होता है नेक्टर, जो फ्लावर्स के अंदर जो रस होता है उसको बोलते हैं नेक्टर, ठीक है। और दूसरा मैंने बोला कि ये जो पॉलन ग्रेन से बेसिकली उनके पैर पर चिपक जाएंगे, उनके पैर पर चिपक जाएंगे, तो पॉलन ग्रेन कैसे होने चाहिए, स्टिकी पॉलन ग्रेन, उन फ्लावर्स के पॉलन ग्रेन कैसे होने चाहिए, स्टिकी, ताकि उनके पैर पर चिपक जाएं और इजीली वो जहाँ पर जाए वहाँ पर वो पॉलिनेशन पहुँच जाए, ठीक है ठीक है। द स्टिग्मा स्टिग्मा इज स्टिकी एंड डज नॉट जनरली हैंग आउट फ्रॉम द फ्लावर। और स्टिग्मा जो स्टिग्मा भी जो फ्लावर का जो पार्ट होता है वो भी स्टिकी होना चाहिए, मालूम पड़ा कि बड़ा सा बैठे वो स्टिग्मा ही उसके पैर से चिपक के चला गया पूरा, स्टिग्मा स्टिकी होना चाहिए, स्टिग्मा स्टिकी होना चाहिए फ्लावर से, यानी वो फ्लावर से जुड़ा होना चाहिए, स्टिग्मा फ्लावर से जुड़ा होना चाहिए, स्टिग्मा फ्लावर से जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। इतने सारे पॉइंट्स में कोई दिक्कत, 6 पॉइंट्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए, बताओ कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। यहाँ पे क्लस्टर का मीनिंग लिखो फिर मैं आपको समझाऊँ, लिख लिया गुच्छा, गुच्छा जानते हो, गुच्छा गुच्छा नहीं होता तो ग्रुप लिख लो, ग्रुप है ना, ठीक है। कौन स्पीशीज का मतलब लिखो, स्पेशल एट्रैक्टिव कुछ भी है ना, स्पेशल लिख लो, एट्रैक्टिव लिख लो, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर कोई फ्लैट छोटा है, इन केस अगर फ्लैट छोटे हैं, इन केस अगर फ्लैट छोटे हैं तो इनसे वहां पर बैठ ही नहीं पाएंगे, तो पॉलिनेशन कैसे होगा, तो वो कह रहा है अगर फ्लैट छोटे हैं, अच्छा अगर छोटे हैं, एक एग्जांपल दे रहे हैं, एक डहलिया एक प्लांट होता है, फ्लावर होता है वो छोटा होता है, तो ऐसे केस में क्या है, ऐसे केस में ना फ्लावर्स को ग्रुप में होना चाहिए, फ्लावर्स को ग्रुप में होना चाहिए, ताकि इससे एक तो अट्रैक्टिव हो जाए, स्पेशल से प्रतीत हों बेचारे, है ना, फ्लावर्स, और दूसरा वो एक के ऊपर एक पैर रख सकें, ठीक है, एक एक पैर तो रख ही सके, इतने तो होने चाहिए, तो क्या फ्लावर्स में थोड़ा ग्रुप में होना चाहिए, ताकि ग्रुप में थोड़ी हेल्प मिल जाए, ठीक है, थोड़ा सपोर्ट मिल जाए। ये आप रीड कर लेना एक बार, मैंने सारा समझा दिया, सारे पॉइंट्स ना रीड आप कर, रीडिंग आपको पर है, ठीक है। तीसरा विंड पॉलिनेटर, तीसरा क्या है, विंड पॉलिनेटर, तो वही चीज मैं तो आपसे एक चीज बोलूंगा, सारे पॉइंट्स सेम है, एक दो को छोड़कर कुछ नए मिलेंगे, कुछ कम भी मिलेंगे। एक टेबल बनाना घर पे खुद से बैठ के, इंसेक्ट इंसेक्ट के नीचे फीचर लिखना, विंड विंड के नीचे फीचर्स लिखना,
वाटर वाटर के कुछ फीचर्स देखना आपको, मानना पड़ेगा कि आपके लिए इजी करना बहुत इजीली इजी हो जाएगा। एक कंपेरेटिव स्टडी बनाओगे ना इनकी जब आप, तो बहुत इजी हो जाएगा लर्न करना, ठीक है। अब बात करते हैं वाटर पॉलिनेशन की। तो वाटर पॉलिनेशन को पहले साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल लैंग्वेज में एनिमोफिलियस, ठीक है। एनिमो मतलब क्या होता है, विंड। एनिमो मतलब क्या होता है, विंड। और फाइलम तो पता ही है, अभी भी हमने पढ़ा था एफिनिटी। तो विंड पॉलिनेशन किस किस तरह के फ्लैट में हो सकता है, कैसे फ्लैट में हो सकता है, तो थोड़ा आप बताइए सर। विंड के लिए फ्लैट कैसे होने चाहिए, छोटे या बड़े? सबसे पहले पॉइंट छोटा बड़ा देखा था ना, उसमें होता छोटे थे या बड़े थे। सर विंड अगर फ्लैट बड़े होंगे तो बड़े फ्लावर को तो हवा बहुत जल्दी हिलानी पड़ेगी, तो उसको तो तेज हवा होनी चाहिए। आंधी तूफान क्योंकि हर समय आंधी तूफान ही चलती है कि नॉर्मल विंड होती है, नॉर्मल विंड होती है। नॉर्मल विंड मतलब हल्के विंड, हल्के विंड सर भारी फ्लावर्स को तो हिला नहीं पाएगी, छोटे छोटे फ्लावर्स होंगे उसको हिला पाएगी। जब वो छोटे छोटे फ्लावर्स को हिला पाएगी तब जाकर उसमें से पॉलन ग्रेन्स निकलेंगे और वो कैंडिड हो पाएंगे हवा में। यानी हमें हल्का प्लांट चाहिए, हल्का फ्लावर चाहिए। हल्के फ्लावर छोटे फ्लावर हल्के होंगे या बड़े फ्लावर हल्के होंगे? छोटे फ्लावर। हाँ तो मैं फ्लावर्स कैसे चाहिए, छोटे रटने नहीं है समझने हैं, ठीक है। सर हवा के कलर या सेंट देख अट्रैक्ट होती होगी, ऐसा हवा तो हर जगह चली रही है, हर जगह चली रही है। तो बेसिकली ये ज़्यादा ब्राइटली कलर्ड नहीं होते, ये कोई सेंट वगैरह प्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है ना। ये कोई नेक्टर देते हैं हवा को, भी खाना चाहिए क्या ये नेक्टर? ये अलग से एक सेपरेट पॉइंट है, इन्होंने यहाँ पे कंबाइन कर दिया है। जब आप कंपेरेटिव स्टडी बनाते हो उसको सेपरेट पॉइंट में लिखना, ठीक है ना। हवा को कोई खाना चाहिए, ठीक है। हाँ बस इनको लॉन्ग होना चाहिए, लॉन्ग होना चाहिए। इनको क्या होना चाहिए, बड़ा। सर बड़ा क्यों होना चाहिए, क्योंकि हवा लोअर सरफेस से बहुत कम होती है। जितना जितना आप एल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा, जितनी आपकी हाइट बढ़ती है उतनी आपको हवा फील होगी। ये तो आपने पढ़ चुका है ना एल्टीट्यूड के बारे में, तो आपने पढ़ा होगा। आप फर्स्ट फ्लोर पर, अगर किसी की छत फर्स्ट फ्लोर पर है तो वहाँ पर खड़े होकर देखो, किसी की फिर 10th फ्लोर पर है वहाँ पर खड़े होकर देखो, तो सेम ही जगह हो लेकिन 10th फ्लोर पर खड़ा होगा उसको हवा ज़्यादा लगेगी, जो फर्स्ट फ्लोर पर खड़ा होगा उसको हवा कम लगेगी। तो भी इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, इससे हमें थोड़े लॉन्ग होनी चाहिए, है ना। और लटकने चाहिए बेसिकली फ्लैट से, फ्लैट से बेसिकली क्यों चाहिए, लटकने चाहिए ताकि वो हवा को फील एक्सपोज करता है, हवा को एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। और उससे हिलडुल के वहाँ से वो निकल सके, क्या निकल सके, पोलन ग्रेन, ठीक है। एग्जांपल दे रहे हैं एक फ्लैट का, मेज का, मेज ना बाजरा। फिर कह रहे हैं एंथर्स भी लार्ज होने चाहिए। सर स्टैमिन तो लार्ज हो गया, जहाँ से आएगा और जहाँ पर जाएगा वो जगह भी थोड़ी बड़ी होनी चाहिए था, क्योंकि अभी एक प्रॉपर जगह तो फैलेगा नहीं, एक प्रॉपर जगह तो है ना, एक हवा है, हवा तो कहीं पे भी गिरा सकती है, तो थोड़ी बड़ी जगह होनी चाहिए ताकि उसको इजीली कैच कर पाए, अपनी तरफ इजीली कैप्चर करता है। एंथर्स भी बड़े होने चाहिए और थोड़े लूज होने चाहिए फिलामेंट से, थोड़े लूज होने चाहिए फिलामेंट से, सो दैट द स्लाइटेस्ट विंड में मूव देम, ताकि हल्की से हवा भी, ताकि हल्की से हवा भी उनको क्या कर दे, मूव कर सके, मूव कर सके। ऐसे यानी बेसिकली क्या है, ऐसे फ्लैट्स को, ऐसे एंथर्स को बोलते हैं वर्सेटाइल एंथर्स। तो इन शॉर्ट विंड पॉलिनेशन के लिए वर्सेटाइल एंथर्स होने चाहिए। पॉलन का फ्लैट्स क्वांटिटीज में होते हैं बेसिकली, हवा चलती है तो, ठीक है। और पॉलन ग्रेन्स कैसे होने चाहिए, इनको हल्का होना चाहिए, सूखे होने चाहिए, स्मूथ होने चाहिए, ठीक है। स्टिग्मा होते हैं वो ज़्यादा चिपके नहीं होने चाहिए, फेदरी होने चाहिए, ताकि पंखों की तरह आराम से उड़ के हवा के साथ आ जाए, अलग होके आ जाए फ्लार्क से, है ना, टू द ट्रैप ऑफ पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। ये विंड का हो गया, वाटर का भी इसी बेस पर है, ठीक है। तो वाटर को क्या बोलते हैं, हाइड्रो। वाटर को क्या बोलते हैं, हाइड्रो, याद रखना है आपको। इसी हमें वाटर पॉलिनेशन, केवल वाटर पॉलिनेशन हर प्लांट में नहीं होगा, फिर आपको वाटर हर प्लांट में डालते नहीं, वो वाटर पॉलिनेशन नहीं है। ये वाटर पॉलिनेशन जो होगा ये केवल एक्वेटिक प्लांट्स में ही होगा, केवल एक्वेटिक प्लांट्स में ही होगा। ऐसे केस में पॉलिनेशन जो होते हैं वो लार्ज नंबर्स में होते हैं, ठीक है। इन सम प्लांट्स द पॉलन ग्रेन्स हैव स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑलमोस्ट इक्वल टू दैट ऑफ वाटर, सो दैट द रिमेन फ्लोटिंग बिलो द सर्फेस ऑफ वाटर। अब थोड़ा यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आ गया फ्लोटिंग का। बेसिकली वो कह रहे हैं कि पोलन ग्रेन्स का, पोलन ग्रेन्स की जो ग्रेविटी होती है
वो कम से कम वाटर के ग्रेविटी के इक्वल होना चाहिए, है ना, ताकि पोलन गैस जैसे क्या कर सकें, फ्लोट कर सकें ब्लो दी सरफेस ऑफ वाटर, ताकि पानी के नीचे क्या कर सकें, फ्लोट कर सकें, इतने भी हल्के ना हो, इतने भी हल्के ना हो कि पानी के ऊपर ही आ गए, पानी के ऊपर ही आ गए फिर क्या फायदा। ये एक्वेटिक प्लांट्स पानी के नीचे होते हैं ना, पानी के ऊपर थोड़े होते हैं, उनका की ग्रेविटी, इनका वेट इतना होना चाहिए कि वो पानी के नीचे रहें, पानी के नीचे रहें। इन सम स्पेशल केसेस मेल प्लांट्स आर सच दैट दे फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर टिल दे मेट फीमेल प्लांट्स। कभी कभी कुछ फ्लावर्स तो ऐसे होते हैं, कुछ फ्लावर्स मतलब कुछ फ्लावर्स बेसिकली जनरली मेल फ्लावर्स, कुछ मेल फ्लावर्स तो ऐसे होते हैं मतलब वो स्टार्टिंग में तो बहुत हल्के होते हैं, जब तक तो उनको फीमेल फ्लावर ना मिल जाए तब तो बहुत हल्के होते हैं, यानी जब तक तो फीमेल जब तक तो वो अकेले हैं तो वो पानी के सरफेस पर रहेंगे, तो पानी के सरफेस पर रहेंगे, और जैसे ही उनको फीमेल फ्लावर मिल जाते हैं वो पानी के नीचे आ जाते हैं, और पानी के नीचे आ जाते हैं ऐसे एक फ्लावर का नाम है वेलिसनेरिया, वेलिसनेरिया ठीक है आपके नाम याद रखना है। फिर कुछ कह रहा है कुछ फ्लावर्स ऐसे भी होते हैं जो वर्ष से भी होते हैं, ठीक है नीचे दिया हुआ है उनके पॉइंट। हाँ दिया हुआ है बर्ड्स का नहीं दिया, एनिमल का दिया हुआ है, तो मेरे को आपको हर तरह के पॉलिनेशन नहीं बताया, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो आपको बता दिया, ठीक है। एनिमल वाला थोड़ा सा आपको, बर्ड्स वाला भी कह रहे हैं, कुछ बर्ड्स वाले भी होते हैं उसके एग्जाम्पल दे दिए हैं, ये बाकी से समझाया नहीं है, बस ये बर्ड को इंग्लिश में क्या साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं ऑर्निथो, ऑर्निथो है ना, ऑर्निथो मतलब बर्ड। फिर एग्जाम्पल आ गए हैं ये, इसको हम बाद में पढ़ते हैं, विंड को और इंसेक्ट को, ये तो मैंने भी आपको होमवर्क में दिया है कि आपको खुद से भी कंपेरेटिव स्टडी बनानी है अगर यहाँ पे ज़्यादा अच्छा नहीं है तो। एक और है एलियो एली एलिफोफिली, एलिफोफिली एलिफोफिली मतलब क्या, ऐसा पॉलिनेशन जो एलिफेंट के द्वारा होता है, जो एलिफेंट के थ्रू होता है। सर ये जो बेसिकली जो होता है वाला पॉलिनेशन, ये केवल एक फ्लावर है रेफलेसिया, उसी में होता है रेफलेसिया, जो कि बहुत बड़ा, जो कि बहुत बड़ा, सपोज करो एलिफेंट है तो बहुत बड़ा फ्लावर होगा बेसिकली, आर फाउंड एट ग्राउंड लेवल, जमीन पर होते हैं बेसिकली लेकिन बहुत बड़े होते हैं। द पोलन ग्रेन्स ऑफ वन फ्लावर गेट स्टक टू द फीट ऑफ एलिमेंट, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्टक हो जाते हैं फीट ऑफ एलिमेंट, एलिफेंट्स के पैर पर चिपक जाते हैं, एंड कैरी टू द स्टिंग और अनदर फ्लावर व्हेन द फ्लावर गेट्स ट्रैम्पल्ड बाय देयर फीट। और जब फ्लावर चलता चलता जाता है और दूसरे फ्लावर के ऊपर पैर रखता है, और जब रखता है तब ये बेसिकली वहाँ से निकल जाते हैं और दूसरे फ्लावर के अंदर तक पहुँच जाते हैं, ठीक है ये है बेसिकली, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ ये फ्लावर का नाम याद रख सकते हो, बस ये इंपॉर्टेंट है। विंड और इंसेक्ट में इन्होंने क्या है ना मेन लिया, हाँ देखो ये क्लासिफिकेशन थोड़ा अलग है, जो मैंने ऊपर पढ़ाया था वो थोड़ा अलग था, तब ऊपर वाले के बीच पर तो निकालोगे निकालोगे, यहाँ पर कुछ और उन्होंने दिया जो मैंने बेसिकली बोला था। फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल तो यहाँ पे जहाँ होंगे ही नहीं बेसिकली, ये सब डल कलर्ड होते हैं विदाउट फ्रेग्रेंस और नेक्टर होते हैं, ठीक है ये ब्राइटली कलर्ड होते हैं, ये फ्रेग्रेंट होता है इसके अंदर और इसमें नेक्टर भी होता है। हवा पोलिनेशन से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में निकलते हैं, हवा से कुछ वेस्ट भी हो जाते हैं, यहाँ पर इंसेक्ट के पैरों से चिपक चिपक कर निकलते, तो पैर ही छोटे होते तो बहुत कम कम पोलिनेशन से निकल पाते हैं, है ना। ये पॉलिनेशन बहुत हल्के होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, बड़े स्मूथ होते हैं, ये थोड़े बड़े बड़े होते हैं, उनके पैरों से चिपक जाते हैं, चिपकू होते हैं थोड़े से। इन फ्लावर्स के केस में स्टिग्मा लॉन्ग होता है, अब वो पेटल से लटका रहता है पत्तियों की तरफ, है ना, थोड़ा फैदरी होता है, थोड़ा स्टिकी होता है, स्टिग्मा यहाँ पर थोड़े गहरे होते हैं, ठीक है और छोटे होते हैं, ठीक है क्योंकि ज़्यादा ऊंचे होंगे तो हवा ज़्यादा होगी, हवा ज़्यादा होगी तो इंसेक्ट को थोड़ा सा सर्वाइव करने में दिक्कत होगी, क्योंकि इंसेक्ट भी बहुत हल्के होते हैं, वो हवा से खुद कैरी हो जाएंगे। स्टैमेंट्स भी यहाँ पे लॉन्ग होता है और पेटल्स के ऊपर होता है, स्टेप पेटल्स के ऊपर तक सर्वाइव करता है बेसिकली, यहाँ पर वो कोरल ट्यूब के अंदर ही रहता है। विंड पॉलिनेशन किस किस फ्लावर्स के अंदर होता है, मेज ग्रास राइस वीट, ये आपको याद रखना है। इंसेक्ट पॉलिनेशन किस किस फ्लावर्स में होता है, चाइना रोज सेल्विया पी सनफ्लावर, ठीक है आपको याद रखना है।
अभी जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं पॉलिनेशन, उसी का एक पार्ट है बेसिकली, ये भी आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन क्या, ना तो इंसेक्ट कर रहा है ना कोई और एजेंट कर रहा है, यानी कोई भी एजेंट कर ही नहीं था, हमने एक आर्टिफिशियल तरीका ना दिया, वो तो नेचुरल था, वो तो नेचर के लोग थे, बर्ड हुए, इंसेक्ट हुए, विंड हुए, वाटर हुए, एलिफेंट, तो नेचर के लोग थे बेसिकली, है ना। अब हम खुद से कर रहे हैं आर्टिफिशियल, एक नकली तरीका हमने बनाया, यानी नेचर यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पे ह्यूमन इन्वॉल्व है, ठीक है, तो हमने बनाया। तो कह रहे हैं वेन मैन हिमसेल्फ ट्रांसफर पॉलिन टू द स्टिग्मा इट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, यानी यहाँ पे नेचर इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पर कौन इन्वॉल्व है, इंसान खुद, ऐसे केस में जो पॉलिनेशन होता है उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। इन द एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ बेबीलोनिया, इजिप्ट की आई थिंक सिविलाइजेशन थी ये बेबीलोनिया, तो वहाँ पर इट वॉज अ कॉमन प्रैक्टिस टू स्प्रिंकल मेल फ्लावर्स ऑफ पाम्स ऑन द फीमेल फ्लावर्स, है ना। तो वहाँ पर कॉमन प्रैक्टिस थी, मेल फ्लावर्स को ले आते थे और फीमेल फ्लावर्स के ऊपर थोड़े से स्प्रिंकल कर देते थे हथेली से, ठीक है। ऑफ कोर्स एट दैट टाइम दे नाइदर न्यू द सेक्सुअलिटी ऑफ पाम फ्लावर्स नॉर एनीथिंग अबाउट पॉलिनेशन, वो वहाँ पर ऐसा वो इसलिए करते थे, पाम मतलब यहाँ पर हथेली नहीं है, हथेली तो वो करते थे बेसिकली स्प्रिंकल, लेकिन यहाँ पर पाम से मतलब है एक तरह के फ्लावर्स होते थे, है ना, पाम, है ना। अब वो ऐसा क्यों करे उस टाइम अपने हाथों से कुछ क्यों करते हैं, तो जानते नहीं थे कि ये ऑटोमेटिकली भी होता है, उन्हें ये नहीं पता था कि नेचुरली भी ये होता है। दिस डेज आर्टिफिशियल पॉलिनेशन ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल क्रॉसिंग, ये भी नाम आपको याद रखना है, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन को और भी हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल क्रॉसिंग बोलते हैं। तो ये क्या मिलता है, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस अडॉप्टेड बाय प्लांट ब्रीडरों के द्वारा अडॉप्ट की जाती है, बेसिकली स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। साइंटिस्ट इन देयर एफर्ट्स टू इवॉल्व न्यू वैराइटीज, साइंटिस्ट इस चीज़ को यूज करते रहते हैं, नई वैराइटीज डेवलप करते रहते हैं, दे इसमें क्या करते हैं बेसिकली, दे रिमूव द एंथर से नियम प्लांट्स, वो जो छोटे छोटे फ्लार्स होते हैं उसमें से एंथर निकाल देते हैं एंड कवर दिस फ्लार्स विद प्लास्टिक बैग, और वो उसको प्लास्टिक बैग से कवर कर देते हैं, लेदर द पॉलिनेट्स ऑफ फ्लार्स विद द पॉलन फ्रॉम द प्लांट्स ऑफ द डिजायर्ड वैरायटी, और उन्हें जिस वैरायटी से बेसिकली उनको फ्यूजन कराना है वो आगे पॉलन से उसको फ्यूज करा देते हैं, कुछ नहीं है काम का। अभी हमने वो पढ़ा था क्या कहते हैं पॉलिनेशन के बारे में, अभी आपको प्रोसेस दे रही है ये होता कैसे, तो कितने प्रोसेस दिए जरा देखें, एक दो, अच्छा दो ही दिए हैं बेसिकली, दोनों तरह की, एक इंसेक्ट दे दिए, एक विंड की दे दिए, फिर उसके बाद रह गया फर्टिलाइजेशन, रह गया है हमारा फर्टिलाइजेशन के अंदर जर्मिनेशन है, फिर क्रिएट ऑफ फ्लोरल पार्ट्स है, तो फर्टिलाइजेशन, अच्छा दो टॉपिक रह गए बेसिकली हमारे, ठीक है। इसको थोड़ा समझते हैं अच्छे से, फर्टिलाइजेशन से अगले चैप्टर में करेंगे कि एक एक बार में एक टॉपिक पूरा कंप्लीट करो तो अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहती है, ठीक है, अगर उसको आधा कराऊंगा तो हो जाएगा गड़बड़। चलो करते हैं क्या बेसिकली, सम एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनेशन बेसिकली क्या बताएगा कि होता कैसे, मतलब होता कैसे उसको थोड़ा और डिटेल में थोड़ा समझना है। इन इंसेक्ट पॉलिनेटर स्वीट पी, पी होती पी, उसके अंदर उसके अंदर बेसिकली पॉलिनेशन कैसे होगा, तो कहते हैं इंसेक्ट सच इज द बी, अब यहाँ पे बी का एग्जाम्पल लेते हैं ना कि बटरफ्लाई का, तो कह रहे हैं अलाइट ऑन द कॉन स्पीसीज कॉलोला, वो कॉलोला पर जाकर, अलाइट मतलब पता है क्या होता है, अलाइट मतलब सोचो थोड़ा, कभी कहीं पढ़ा हो, अलाइट से मतलब होता है क्या, अलाइट छोड़ो सोचो जरा, नहीं पता, लाइट से समझो थोड़ा सा क्या लग रहा है, वर्ब में बेसिकली अलाइट मतलब होता है किसी को, अरे कह सकता हूँ क्या कहते हैं, मतलब लाइट लाइट करना, एक बर्ब लाइट की बर्ब है लाइट करना, ठीक है, कहीं पर रोशनी करने को बोलते हैं अलाइट, कहीं पर रोशनी करने को क्या बोलते हैं अलाइट, है ना। तो बेसिकली वो कह रहा है कि द इंसेक्ट सच एज बी, ये बी जैसे इंसेक्ट जो होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, स्पेशल कोरोला को क्या करते हैं अलाइट करते हैं, स्पेशल कोरोला को क्या करते हैं अलाइट करते हैं, द बी थ्रस्ट्स इट्स लॉन्ग टंग इन सर्च ऑफ नेक्टर, तो बी होती है
वो अपनी लॉन्ग टर्म को बेसिकली क्या करती है, नेक्टर की खोज में डाल उसमें फ्लावर के अंदर डालती है। इन दिस स्ट्रगल, इस स्ट्रगल में क्या होता है, कभी कभी द विंग पेटल्स ऑफ द फ्लावर आर डिफ्रेक्टेड, जो विंग पेटल्स होते हैं बेसिकली फ्लावर के, वो थोड़े दब जाते हैं। द विंग पेटल्स अलॉन्ग विद द कील पेटल आर फोर्स डाउन एंड द स्टैमेंस एंड स्टिग्मा टच द अंडर साइड ऑफ द बॉडी ऑफ द इंसेक्ट। बेसिकली क्या होता है, जो विंग पेटल्स जो होते हैं ना, अलॉन्ग विद कील पेटल आर फोर्स डाउन, उन पर भी थोड़ा फोर्स लगता है। एंड द स्टैमेंस एंड स्टिग्मा टच द अंडर साइड ऑफ ऑफ द बॉडी ऑफ द इंसेक्ट। और स्टैमेंस होते हैं और जो स्टिग्मा होते हैं, वो बेसिकली क्या करते हैं, इसे प्रोसेस में टच कर लेते हैं क्या चीज़, इंसेक्ट की बॉडी को, इंसेक्ट की बॉडी के अंदर साइड को, ठीक है, जब अपना अपनी वो डालती है, टंग डालती है बेसिकली। इफ दिस इंसेक्ट हैज ऑलरेडी विजिटेड अनदर फ्लावर, अगर ये जो इंसेक्ट है ऑलरेडी किसी फ्लावर से होकर आ चुका है, तो इसका मतलब तो हो सकता है कि इसके पास कुछ पॉलन ग्रेन्स हो, इट मे हैव सम पॉलन स्टिकिंग ऑन द अर्थ्स बॉडी, तो हो सकता है इसकी बॉडी पर काफ़ी सारे क्या हों, पॉलन हों जो स्टिकी हों, जो स्टिक्ड हों बेसिकली, तो क्या करेगा, पॉलन इज नॉट ट्रांसफर्ड। अगर ऐसा है तो पॉलन को क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे तो स्टिक में ऑटोमेटिकली हो जाता है, ठीक है, उनकी बॉडी से ऑफ दिस न्यू फ्लावर है ना, दस अफेक्टिंग पॉलिनेशन, और इससे पॉलिनेशन हो जाता है, इससे पॉलिनेशन हो जाता है। फिर क्या कह रहे हैं, व्हेन द इंसेक्ट फ्लाइज अवे, और जब इंसेक्ट उड़ जाता है, इट मे इन टर्न कैरी सम पॉलन ऑफ द फ्लावर, तो हो सकता है वो इस फ्लावर की पॉलन ले जाए तो अनदर सिमिलर फ्लावर और किसी दूसरे सिमिलर फ्लावर में डाल दे। हाउएवर इफ क्रॉस पॉलिनेशन डज नॉट टेक प्लेस, हाँ, इतना सब होने के बाद क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होता है, तो देर अ चांस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन इन दिस केस, तो हो सकता है कि फिर क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो, सेल्फ पॉलिनेशन ही हो, वो खुद से सेल्फ पॉलिनेट हो जाए, ठीक है। ये सारे आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है, कील पेटल विंग पेटल, ठीक है, सिंस बोथ द स्टैमेंस एंड कार्पल्स आर एनक्लोज्ड, दोनों चिपके हुए होते हैं विद इन द कील एंड आर मोर और लेस एट द सेम लेवल, अब वो सेम लेवल पर होते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं पाया, यहाँ तक बेसिकली काम का बताया था उन्होंने, ठीक है। अब विंड पॉलिनेशन मेज मेज फ्लावर के अंदर कैसे विंड पॉलिनेशन होता है, तो कह रहे हैं पॉलिनेशन इज ब्रॉट ब्रॉट विंड, पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है, विंड के थ्रू होता है। एज द विंड ब्लोज, जैसे विंड चलती है, द पॉलिन फ्रॉम द आउटवर्डली हैंगिंग एंथर्स, ऐसे हैं एंथर जो भाग कर फैले हुए, जो भाग कर फैले हुए हैं, इज ब्लोन अवे इजिली, वो इजिली उड़ जाते हैं, इजिली उड़ जाते हैं बिकॉज द एंथर आर सो लूजली अटैच्ड, क्योंकि बहुत लूजली अटैच्ड होते हैं जो फिलामेंट है ना, उन्हें ऊपर पाएगा, दैट इज एडजस्ट विंड विल शेक देम, जिससे छोटी सी भी हवा, हल्की सी भी हवा उन्हें हिला दे। द पोलन ब्लो अवे बाय द विंड मे फॉल ऑन द फेदरी स्टिग्मास ऑफ फीमेल फ्लावर, हो सकता है वो पोलन जो उड़े हैं बेसिकली वो गिर जाए किसी फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा वाले पार्ट पर, है ना, बिच हैव अ लार्ज सरफेस फॉर दिस पर्पस, जिसके पर्पस जो कि बहुत बड़ा है इसी पर्पस के लिए, है ना। द मेल फ्लावर मैच्योर अर्लियर देन द फीमेल वंस, जो मेल फ्लावर्स होते हैं वो थोड़े जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, सो दैट देर आर लेस चांस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन, और इससे सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। यहाँ पर भी कुछ कंपनी था, प्रोग्रेस चेक पढ़े हैं, प्रोग्रेस चेक पढ़ते हैं, कुछ है ही नहीं यहाँ पर काम का, याद में वैसे जाते हैं। फेदर स्टिग्मा हैंगिंग आउट, सर ये तो मैं उसके लिए क्रॉस विंड पॉलिनेशन के लिए जरूरी है लिखा हुआ है। डिफरेंट टाइमिंग्स फॉर मैचुरेशन ऑफ एंथर्स एंड स्टिग्मा, डिफरेंट टाइमिंग हमें किसके लिए चाहिए, यानी दो अलग अलग चीज़ होंगी, दो अलग अलग चीज़ होंगी, दो अलग अलग चीज़ें, दो से मतलब डाई 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 कुछ बनता है। पॉलिनेशन बाय एलिफेंट, एलिफेंट से देखो कौन सा बढ़ता है, सर ऐसे इसके फ्लावर का नाम याद आ गया, फ्लावर्स प्रोड्यूस नेक्टर, फ्लावर्स प्रोड्यूस नेक्टर यानी ये होता है इंसेक्ट पॉलिनेशन, इंसेक्ट पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं, एंथो एंटमोफिलस, ठीक है। पॉलिनेशन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलिन, है ना, ऑफ पॉलिन ग्रेन्स, पॉलिन ग्रेन्स है ना, द टू काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन आर सेल्फ और क्रॉस, मुझे नहीं आप खुद से आनी चाहिए, और सेल्फ पॉलिनेशन, जो अगर सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो फ्लावर्स नीड नॉट टू बी
अब यहाँ पे बड़े आते हैं ना, बुक में क्या दिया हुआ है, एक सुई बार तो है ही। अब यहाँ पे ब्रैडली क्लड है, क्या है वो आपको खुद से देख लेना, ठीक है। फॉर सेल्फ पोलिनेशन डेथ एंड डेथ मस्ट मैच्योर एट द सेम टाइम, मेल एंड फीमेल फ्लावर है ना, मेल एंड फीमेल फ्लावर सेम। सेल्फ पोलिनेशन डज नॉट ईल्ड डिफरेंट वेराइटीज, यहाँ पे देख लेना है ना, डिफरेंट वेराइटी। इन डेथ पोलिनेशन देर इज मच वेस्टेज ऑफ पॉलिन, किस्म होता है इंसेक्ट में, किस्म होता है विंड में, ठीक है। और आते हैं होमवर्क पे, आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी का बन आपको होमवर्क है, मैं करा तो दूंगी ये वाला टॉपिक लेकिन खत्म हो नहीं पाएगा, क्या फायदा मैं 15 मिनट के चक्कर में आधा छोड़ के जाऊंगा, है ना। हम याद करने पर फोकस देंगे, अगर क्लास हमारी छोटी होती तो हम याद करने पर फोकस देंगे। वैसे भी एग्जाम आपके आने वाले हैं, 20 से 21 तारीख से आपके एग्जाम है, तो आपको लर्न भी करना है। मैं सभी आइटम्स इनको मैच करें, इनमें से कुछ भी हमने पढ़ाई नहीं है मेरे ख्याल से, अभी नहीं पढ़ा, पढ़ लेंगे। ये सेकेंडरी न्यूक्लियस, आई थिंक न्यूक्लियस पढ़ लिया है मैं शायद, देख लेंगे बाद में। डेथ इज अबाउट अ पॉलिनेटर फ्लावर, एग्जाम्पल आपको लिखना है इसका एक, ठीक है। नेम द पार्ट ऑफ ओवरी बाद में, अरेंजमेंट भी बाद में, पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर गिव वन वर्ड। अच्छा, अगर इंसेक्ट को पॉलिनेशन करे तो उसको क्या बोलते हैं, उसका नाम लिखना है। बर्ड्स वगैरह पॉलिनेशन करते हैं उसको क्या नाम होता है वो लिखना है आपको। एक्सप्लेन द, तीन ही आप लिख सकते हो, और ये लिखने नहीं है बेसिकली, मैं लिखने के लिए आपसे किसी को नहीं बोला, याद करने हाँ याद, अगर आप लिख लिख कर कर रहे हो तो आप लिखो, बना लिखने में मतलब टाइम वेस्ट मत करो कि लिखना ही लिखना है, मेरे को याद चाहिए, है ना, हमें याद करना ज़रूरी है। वो आप लिख लिख के कर पढ़ते, लिख लिख के करो, बिना लिखे हो रहे तो बिना लिखे करो, ठीक है। एडवांटेज आपको लिखने हैं कि अगर लॉन्ग और फैदी स्टिग्मा होगा तो क्या फायदा होगा, ब्राइटली कलर्ड पेटल्स हैं तो क्या फायदा होगा, स्मूथ एंड लाइट पोलन ग्रेन है तो उससे क्या फायदा होगा, फ्रैग्रेंट नेक्टर तो क्या होगा। तो कोई एग्जांपल दे दो कहाँ भी, मैं समझ लूँ क्वेश्चन को, तो मैं क्लास को एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर फ्लावर ऐसा है जिसके अंदर फ्रेगरेंस भी है और नेक्टर भी है, तो ऐसे केस में इंसेक्ट पोलिनेशन हो सकता है, ये फायदा है, इंसेक्ट पोलिनेशन हो सकता है, ये फायदा है। सो लॉन्ग एंड और फायदा कैसे हो कि मतलब से फायदा ऐसे लिखना कैसे, इंसेक्ट पॉलिनेशन होगा तो आपको लिखना पड़ेगा इससे, क्योंकि फ्रेगरेंस नेक्टर है वो उनका फूड होता है, ठीक है। फ्रेगरेंस उनको अट्रैक्ट करेंगे तो फूड और फ्रेगरेंस जो सेंट है वो कलेक्टिवली क्या करेंगे, इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे तो फिर वहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन होने के चांसेस होते हैं। फिर प्रोसेस आप देख सकते हो कि वो आएंगे, बैठेंगे, उनके पैरों पर स्टिक होंगे, फिर दूसरे फ्लावर पर जाएंगे, फिर वहाँ पर वो छोड़ेंगे अपनी बॉडी में से, ठीक है। तो इस तरह से क्रॉस पॉलिनेशन होगा, तो आप इस तरह से एडवांटेज को लिख देगा, ठीक है। एग्जाम में मार्क्स पर डिपेंड करता है कितना बड़ा लिखना है, ठीक है। ऐसे ब्राइटली कलर्ड में इसमें वो अट्रैक्ट करते हैं फ्लावर्स को, तो क्रॉस पोलिनेशन हो सकता है बाय इंसेक्ट, ठीक है। तो आपको लिखना है इस तरह से, ठीक है। बस यही है ना, इसको आप खुद से बनाना सर टेबल को, है ना, मैंने ऊपर आपको बताया ये, इसको खुद से बनाना। और यहाँ पर केवल दो ही के लिए बना हुआ है, आप तीन के लिए कम से कम बनाना, वाटर को छोड़ देना एक और को, नहीं वाटर को भी कहीं से कर लेना, छोड़ देना वाटर को, दो का ही बना पाओगे, दो का ही बना पाओगे, दो का बनाना खुद से बनाना इसको छोड़ के, है ना। यहाँ से एग्जाम्पल वगैरह भी सब याद कर लेना, एग्जाम्पल आपको सारे याद करने हैं, ठीक है।